इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। बच्चों क्या होता है, कॉनकेव मिरर में एक स्पेशल केस होता है जब ऑब्जेक्ट को फोकस ऑफ पोल के बीच में प्लेस करते हैं, फोकस ऑफ पोल के बीच में प्लेस करते हैं, तो यहाँ पे एक इमेजनरी इमेज बनती है। कैसे? सबसे पहला अगर हम रूल यूज करें, जब ऑब्जेक्ट से लाइन पैरेलल चले, कौन सी लाइन? लाइट। लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल चलेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी? फोकस से। ये रहा फोकस, तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी। सेकंड लाइन कौन सी होगी? सेकंड लाइन होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन जाएगी नहीं। तो हम यहां से इमेजिन करें एक लाइट होगी जो कि यहां से चलेगी और उसको इस टाइप से लगाए कि वो कहां से आ रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आएगी तो एज इट इज इसी पाथ पे चली जाएगी। तो ये दोनों लाइट रेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, और इंटरसेक्ट अगर नहीं करेगी तो इमेज भी नहीं बनेगी। तो इनको अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, पीछे की तरफ एक्सटेंड करने पे एक पॉइंट पे ज्वाइन होती अपीयर होगी। तो क्या लाइंस एक्चुअल में ज्वाइन कर रही थी? नहीं, ज्वाइन होती अपीयर होगी। तो हमारी कैसी इमेज मिल रही है? इरेक्ट इमेज मिल रही है। और इरेक्ट इमेज हमेशा कैसी होती है? वर्चुअल। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन रही है जो कि साइज में क्या है? बड़ी है, एनलार्ज है।